खरगोन शहर के तालाब चौक स्थित विश्वकर्मा समाज धर्मशाला में मेवाड़ा विश्वकर्मा सुतार समाज द्वारा समाज को जागृत करने के लिए 7 दिवसीय संगीतमय श्री विश्वकर्मा महापुराण कथा का आयोजन किया गया। कथा के तृतीय दिवस बड़वा के श्री मुकेश चंद्र शास्त्री जी द्वारा कथा का रसपान करवाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन ने शामिल होकर कथा का श्रवण किया। संगीतमय कथा का आयोजन 7 दिवस तक चलता रहेगा, जिसमें विश्वकर्मा समाज के आराध्य भगवान विश्वकर्मा जी की जीवन लीला का वर्णन कर समाज जन को प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ये जन्म हमें भगवान ने इसलिए दिया है कि आगे भी मौका है ना, आगे भी समय है। पर वहीं पर गीता देवी ने मन से भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया तो दादाजी उस गुफा में प्रकट हुए। तो हमारा शरीर यहाँ पर है और जब तक मन कथा में नहीं आएगा तब तक आनंद नहीं आएगा। आपके बंद व्यापार को चलाने वाला कोई है तो वो भगवान विश्वकर्मा है। तो आइए प्रेम और भाव से अखंड मंडल शरणम तुम्हारी शरणम तुम्हारी मारी बिगड़ी बड़ावण नव जो सुन गई बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। श्याम सुंदर तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ये अवसर दिया है भगवान ने, मानव का तन दिया है और वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख के महीने की महिमा पढ़ो, इसके अंदर पुराण है। इतनी बड़ी महिमा है, लोग क्यों लगाते हैं वैशाख के महीने में।
वैशाख के महीने में भाणी बनाते हैं, वैशाख के महीने में कन्यादान करते हैं, और ये जो विश्वकर्मा महापुराण है ना, इसमें भी सबसे हमारा भागवत कथा का विश्वकर्मा पुराण कथा का आयोजन आज तीसरा दिन है। समाज को जागृत करने के लिए हमारे रचयिता श्री विश्वकर्मा भगवान के बारे में पूरा विवरण सुनने के लिए और जानने के लिए और सबको जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। 7 दिन का रखा गया है, आज तीसरा दिवस। पंडित जी कहाँ से आए? पंडित जी बड़वा से, मुकेश जी शास्त्री, वो भी मालवी समाज से, श्रीवर मालवी से विश्वकर्मा बंधु है। इसके कितने दिन की रहेगी? ये 7 दिवस रहेगी, तो आज तीसरा दिन तो हो गया, 4 बजे बाकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलाल विश्वकर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।